फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है घर में जोधपुर की मलाई रोटी। बोल शेप की होने की वजह से ही मलाई रोटी कहलाई जाती है। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। और भगवान जगन्नाथ जी को इसका भोग लगाया जाता है, वहाँ कहते हैं मलाई पूरी, लेकिन बनाई केवल इसी ढंग से जाती है दोनों जगह। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया। बनाना शुरू करते हैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए मलाई पूरी। इसे आप किसी भी त्यौहार पर भोग लगा सकते हैं, जन्माष्टमी आ रही है उस पर भोग लगा सकते हैं भगवान जी को। चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया। बनाना शुरू करते हैं। मलाई पूरी बनाने के लिए मैं ये इस तरह से छोटे छोटे बर्तनों में दूध उबाल रही हूँ। ये मेरे दही जमाने के लोटे हैं, जिससे कि पीस ठीक से उतर सके मलाई का। इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर उबालूँगी, जिससे कि दूध के जो कंटेंट हैं वो अच्छे से ऊपर आएँ। हल्की हल्की आँच पर दूध उबलेगा तो बहुत अच्छे से मलाई पड़ेगी। ये कोई खास चीज़ नहीं होती दूध की मलाई से, लेकिन दूध फुल फैट, मेरा ग्वाले वाला दूध है तो इसमें तो अच्छी खासी मलाई पड़ती है, इसलिए। तो अब इसको हम हल्की आंच पे उबलने देते हैं। ये देखिए दूध में उबाल आने लग गया। इस फ्लेम को मैं ऑफ कर दूँ और दो मिनट बाद मैं फिर से एक बार उबालूँगी। दो मिनट हो चुके, अब मैं इसे फिर से उबाल दूँ। हल्की आँच पर उबालेंगे तो ये जो है इस पर मलाई अच्छे से पड़ेगी। देख सकते हैं आप, तेज़ आँच पर उबालते हैं तो दूध एकदम से उफन के आता है, लेकिन इसमें कितनी धीरे धीरे चल रहा है। बस इसी तरह से लो फ्लेम पर अब मैं इनको रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी और उसके बाद हम इनको फ्रिज में रखेंगे ओवरनाइट, या कम से कम 6 घंटे तो रखना ही है, उसके बाद मिलते हैं। देखिए दूध पे कैसे मलाई रोटी की तरह जम गई। इसको इस तरह से स्क्रैप करेंगे, ऐसे इस तरह से। इस तरह से और दूध को सारा निकाल देंगे। ये मैंने जो छोटे छोटे बर्तनों में निकाली थी, जिससे साबित रोटी जैसे निकला है। ये देखिए हम बना रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी, जोधपुर की मलाई रोटी। इसको अब हम चाशनी डालेंगे इस पर। ये देखिए ये अपनी गोल शेप के लिए ही रोटी कहलाई जाती है, प्योर मलाई से बनाई जाती है, कोई इसमें किसी चीज़ की कोई मिलावट नहीं होती। ये मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, गुलाब की पंखड़ी, भगवान को भोग लगाना है तो भी, और वैसे भी हम चीज़ों को अच्छे से बनाते हैं, सजाते हैं, तभी खाने में अच्छी लगती हैं। देखने खाने से पहले देखने में अच्छी लगनी चाहिए हमारी मलाई पूरी, जगन्नाथ जी के भोग के लिए। जोधपुर की मलाई रोटी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है।